के मोहब्बा जिला अस्पताल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज तांत्रिक कर रहे हैं, इससे डॉक्टरों पर सवाल उठ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पूरे मामले पर जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक महिला को बिच्छू के काटने पर भर्ती कराया गया था। पीड़ित महिला को इलाज से कोई भी फायदा नहीं मिला, जिससे परेशान परिजनों का डॉक्टरों से विश्वास उठ गया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में ही तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूक करवाने लगे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। आज सर सरकारी अस्पताल में इलाज हुआ, इलाज हुआ, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए, दादा मेरे वैसे उन्हें झाड़ दिए। इंजेक्शन में तन तन था, इसमें पूरा हो गया, इतनी बार झरना था, अकेले जहाँ काटा था बस, और कहीं नहीं झरना रहा है। तो आराम लग गया झाड़ने से आपको? हाँ आराम लग। बताते झाड़ फूक कर इलाज करने आए तांत्रिक ने बताया कि उसके पास रोजाना मरीज आते हैं, उसने जिला अस्पताल में महिला मरीज का इलाज किया है, दावा है कि वो 100% ठीक हो जाएगी। बता रहे थे कि बिच्छू ने काटू है, तो हम कहीं परमात्मा की वजह से हमें यहाँ लगाना, आराम लग जाए उसको, हाँ मिल जाता है। हमारे यहाँ तो गारंटी है कि 90% का 100% हमारे यहाँ हंस पे जाते हैं। डेली कम से कम 2-4 लोग डेली आते हैं, अभी सीजन चल रहा है कटाई बुवाई को, इसलिए डेली आते हैं। अभी थोड़ी हमने हाथ से झाड़ा है उसको, हाँ कान में झाड़ा है और हाथ से झाड़ा, यही अस्पताल में। वहीं अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस वार्ड में तांत्रिक को जाने की इजाजत किसने दी। बताया जा रहा है कि तांत्रिक ये भी दावा कर रहा है कि उसके पास रोजाना मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं और 100% मरीज ठीक हो जाते हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं जहां एक तरफ तांत्रिक मरीजों का अस्पताल के अंदर इलाज कर रहे थे, वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर वरुण को इसकी भनक तक नहीं है। उनकी माने तो उन्हें नहीं पता कि अस्पताल में तांत्रिकों ने मरीज का इलाज किया है। दो मरीज अभी यहाँ जिला अस्पताल में होगा लाए गए थे सुबह टाइम, और उनका बच्चों के काटने का शायद मामला था, और अभी यहाँ पे उपचार किया जा रहा है। इस तरीके से उनके परिजनों की माने तो यहाँ अस्पताल में उनको आराम नहीं मिल रहा है, बाहर किसी झाड़ फूक पर आ रहे हैं। इस विषय में जानकारी नहीं है, अभी मैं आपके दिया हूँ। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि कुलपहाड़ के दरियार सिंह के खुड़ा निवासी गुलाब सिंह की बेटी संध्या यादव को खेत में काम करने के दौरान बिच्छू ने काट लिया था। इसके बाद उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन जब सरकारी डॉक्टरों के इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर तांत्रिक को बुलाकर महिला का इलाज करवाया गया। इस खबर फिलहाल इतना ही, बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।